हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस नॉलेज में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल फाइनेंस नॉलेज में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी और कुछ टेक्निकल पार्ट भी आपको पता चलेगा फाइनेंस से रिलेटेड, और आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ नया अपडेट होने वाला है या फिर कोई चीज़ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है, तो वो सब चीज़ें इस चीज़ पे, इस चैनल पे अपडेट होंगी, आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे इस चैनल को, फाइनेंस नॉलेज को, आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन नीचे आपको मिल जाएगी, उस पर जा करके हिट कर दीजिए। उससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उससे आपको नोटिफिकेशन आपको पाना है तो उसके लिए आपको उसके ठीक बगल में एक बेल आइकन का भी आपको सिंबल दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के टॉपिक में कि फाइनेंस होता क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंस, फाइनेंस होता क्या है। पहले तो इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग फाइनेंस बोलते हैं, जबकि एक्चुअली में इसका ट्रू प्रोनाउंसिएशन होता है फाइनेंस होता है, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। तो फाइनेंस होता क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस दोस्तों क्या है, ये एक तरीके की, जैसे आपसे हम पूछें कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, आप बता ले जाएंगे, आपको पता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है। उसी तरीके से फाइनेंस जो है एक तरीके का सेक्टोरियल स्टडी है, जिसमें हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वेल्थ को किस तरीके से बड़ा करना है, वेल्थ को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उसको पुट करना है ताकि वो बेटर रिटर्न दे सके फ्यूचर में, ये सब चीज़ें फाइनेंस के अंदर स्टडी करी जाती हैं। तो फाइनेंस इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, स्टडी ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। फ्यूचर में टाइम और टाइम और वेल्थ को एक साथ रख करके देखा जाता है, और इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से किसी भी वेल्थ की वैल्यू क्रिएट होती है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। और रिस्क फैक्टर यहाँ पे भी होता है, रिस्क फैक्टर भी मैटर करता है किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी वैल्यू की वेल्थ क्या है। तो बेसिकली फाइनेंस के अंदर में हम सब मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ तो फाइनेंस के अंदर आप लोग क्या स्टडी करते हैं, मनी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। तो मनी का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा मनी मैनेजर हैं तो आप बहुत वेल्दियर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, आपका माइंड सेट आपकी मनी मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी मनी मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो इसका मतलब ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर दिखेगा। तो आपके अंदर फाइनेंशियल, सॉरी फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंशियल नॉलेज जो होगी आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। देखिए एक्चुअली फाइनेंस होता है, लेकिन फाइनेंशियल के लिए हम श प्रोनाउंसिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे टू वॉवल्स एक साथ आ जाते हैं, तो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल। तो आई होप आपको फाइनेंस वर्ड क्लियर हुआ। और फाइनेंस बेसिकली, चलिए ठीक है, एक तरीके का वर्ड है जो ये बताता है कि किसी भी चीज़ की वेल्थ को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए फ्यूचर में। फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी पर्सन की या किसी कंट्री की पोजीशन को बताता है कि वो एक्चुअली में फाइनेंशियली कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। आई होप मेरा ये अपनी तरफ से छोटा सा क्रिएटेड एक टॉपिक था जो मैंने सोचा आपको एक बार ऐसे ही ओरली बताता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कैसा लगता है आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा, रिस्पॉन्स करिए कि किस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप बिना कुछ कहे आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और बाकी आप सब लोगों को बताइए। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको डेली अपडेट मिलेंगी, डेली वीडियोज़ मिलेंगी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत पड़ती है। और डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, और उसको विजिट करके सिंपल तरीके से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अपस्टॉक इंडिया की सबसे लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है, जो पूरे इंडिया में आपको सबसे चीप रेट
ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। तो बिना किसी देर के आप उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करें और आप वो स्टार्टिंग से धीरे धीरे सीखिए, करना सीखिए, शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को शुरू नहीं करेंगे आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सुनने और पढ़ने से तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा समझ में आती हैं प्रैक्टिकल करने से। तो आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको डीमैट अकाउंट एटलीस्ट तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको एटलीस्ट डीमैट अकाउंट खोल के आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। ईमेल एड्रेस मतलब बेसिकली आपसे साइन अप करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप साइन अप कर लीजिएगा जा करके। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे उसमें आपके फ़ोन नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड क्रिएट होगा, वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको इनपुट करना होगा स्क्रीन पे। उसके बाद हमारी अपस्टॉक की जो टीम है आपकी सारी क्वेरीज, जो भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे वो सब कुछ आपको बता देंगे अच्छे से। बिना देर किए आप उसको कर सकते हैं। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।